महाभारत क्यों हुआ? वजह कटु शब्द। दो वजह महाभारत की हैं बहुत बड़ी, और दोनों ही वजह आज हमारे जीवन में भी उपस्थित है, इसलिए हमारे जीवन में भी नित्य महाभारत होता है। उस महाभारत की दो वजह कौन सी है, ध्यान लगाइए जरा। एक तो है दुर्योधन का लालच, और दूसरा है द्रौपदी का कटु बोलना। द्रौपदी ने दुर्योधन से कहा, तेरा बाप भी अंधा तू भी अंधा, सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, और अगर तुम प्रिय नहीं बोल सकते तो मत बोलो। ध्यान रखना, अगर बोलना है तो मीठा बोलो। कबीर बाबा की वाणी कौन सी? मीठी वाणी बोलिए मन का पाभो, औरन को शीतल करे आपौ शीतल हो। अरे ओ प्राय रे, मीठा बोलना सीख ले। अरे गाय को टुकुर टुकुर जोर जोर से बोलता है, अरे कहाँ मिलेगा तुझे जोर जोर से बोल के? ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा है? अटैक की भी टेंशन ऊपर सकती है, कितनी समस्याओं को खरीद लेता है जोर जोर से बोल के। काय को परेशान होता है? मीठा बोल, शुगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मीठा अगर बोले तो शुगर की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, और कड़वा बोलेगा तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। कैसा बोलना है बोलना जरा जोर से बोलना। राधे राधे, राधे राधे बोल लो, वो अपने आप में मीठा है। हमारे ब्रज में गाते हैं, राधा नाम बड़ोई मीठो, राधा नाम बड़ो ही मीठो, मुख में दे मिश्री सी घो, परसाने की कली कली। राधा नाम इतना मीठा है, जैसे बोलते ना राधे, ऐसे लगता है जैसे मिश्री को जल में घोल कर पिला दिया हो। लेकिन मीठा किसको लगता है, ये भी बात है। मीठा उसी को लगता है जो भक्त है। अभक्तास विज्ञान दोष कथा अमृतम, अभक्तों को ये मीठा नहीं लगता, उनको लगता है ऐसे ही ऐमे ही बनाते रहते हैं, इन लोगों का क्या है। लेकिन भक्त बन के देखो, इससे मीठा कुछ भी नहीं है, बोलना पड़ेगा जोर से, है ना मीठा? अच्छा है या नहीं है? क्या बात। द्रौपदी कड़वा बोली, वजह उसका फल महाभारत का युद्ध। आज हमारे घरों में क्लेश क्यों होता है? वो भी तो युद्ध है, वो ग्रह युद्ध है, जिसको हम ग्रह युद्ध कहते हैं, क्लेश कहते हैं, द्वंद कहते हैं, परेशानियां कहते हैं। क्या है वो? एक दूसरे से संतुष्टित नहीं है। क्या है ये? दो व्यक्ति घर में रहते लेकिन दो भी में भी शांति नहीं है। फिर बाद में कह देते हैं, बोले बर्तन होते तो खड़कते ही है। अरे बर्तन नहीं है, तू बर्तन है क्या? चला आ जा, मैं तुझे पीट के देखता हूं, तू बर्तन है क्या? तू बर्तन है? ऐसा कह देते, जहां जिस घर में लड़ाई होती है ना, वहां लोग अपने आप को बचाने के लिए, जहां चार बर्तन होते हैं वहां तो खड़कते ही हैं। मुझे लगता है वो लोग बहाने बनाते हैं, सब झूठ है, ये सब खड़काने की जरूरत ही नहीं है। सीधे सीधे जा, मीठा बोल नहीं खड़केगा, कड़वा बोलेगा तो खड़केगा ही खड़केगा। मीठा बोल देखता हूं कैसे खड़केगा, कब तक खड़केगा। मीठा बोलना सीख ले मेरे भाई, मीठा बोलना सीख ले। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का अंधा कहा, जो कि कड़वा, कोई भी बच्चा इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भी हमारे घरों में उस द्रौपदी से भी ज्यादा कड़वा बोलने वाले हैं। उसने तो कहा अंधे का ही अंधा है, आजकल के घर में तो पता नहीं क्या क्या बोल देते। कई बार तो कानों पे हाथ रख लेने को मन करता है, मत सुनो। और कड़वा कोई बोले तो फिर एक काम करो, सुनना नहीं उसकी बात, निकल जाओ वहां से। दूसरा लालच, द्रौपदी की गलती, कड़वा बोला,
दुर्योधन की गलती, उसके मन में लालच आया। दुर्योधन चाहता है कि पांडवों का भी जितना राज्य है सब मेरा हो जाए, ये उसका लालच है। और आज भाई भाई के मन में वो लालच आ गया है, जिसकी वजह से घर में शांति नहीं हो पाती। बोलो राधे राधे। अगर आप चाहते हो कि हमारे घरों में शांति रहे, तो मेरे भाई बहन लालच को अपने हृदय में मत आने दो। लड़ाई कब होगी? जब मेरी तमन्ना है कि ये चीज मुझे मिल जाए और वो मुझे नहीं मिल रही, मेरे भाई को मिल रही है, तो वो लड़ाई होगी। तुम्हारे मन में ये लालच आता क्यों? क्यों क्या चाहिए? अरे तन ढकने के लिए दो कपड़े, खाने के लिए दो रोटी, जीवन जीने के लिए कुछ सुविधाएं, वो तो तुम कभी भी एकत्रित कर सकते हो। लेकिन रिश्ते कभी एकत्रित नहीं होते। अगर रिश्तों में गांठ आ गई तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं वो कभी जुड़ने वाले नहीं, और अगर जुड़ भी गए तो वो गांठ कभी खत्म होने वाली नहीं, कभी खत्म नहीं होगी। मत तोड़ो चटका है ना, एक दुआ है ना, मत तोड़ो चटका है, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। तो क्यों खींच दे इतना जो आखिर इसको टूटना ही पड़े, इतना मत खींचो, जोड़े रखो, बिल्कुल जोड़े रखो। एक व्यक्ति की बात मुझे याद आती है, बहुत अच्छा व्यक्ति, ऐसे चतुर व्यक्ति, चतुर लोग होते ना वो ही ज्यादा परेशान होते। बोलो राधे राधे। जो चतुर होते ना वो ज्यादा परेशान होते हैं। चतुर चिंतित होता है, चतुर चिंता में जलता रहता है। एक चतुर व्यक्ति, फैमिली संग बराबर रहती, और संग बराबर एक ही घर में रहते दोनों भाई। अब जो छोटा भाई था वो काम अधिक करता था, अधिक कमाता था, और बड़ा भाई काम कम करता था, लेकिन ठीक है फिर भी दोनों साथ साथ रह रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, दोनों के बच्चे भी बराबर के थे। दोनों के बच्चे जब बराबर के थे तो वो छोटा भाई अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के बच्चे के लिए और अपने बच्चे के लिए कुछ वस्त्र खरीद कर लेकर आया। लेकिन थोड़ी सी लालच उसके मन में भी आ गई। उसने क्या सोचा, मेरा बच्चा थोड़े अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहने और भाई का बच्चे को पहनाना तो है ही है, तो वो दूसरी क्वालिटी का पहने। लालच मन में आ गया, अपने बच्चे के लिए लेके आ गया 1500 के कपड़े, एक ही जोड़ी 1500 की, और भाई के बच्चे के लिए लेके आ गया 500 के कपड़े, एक ही जोड़ी 500 की, दोनों के सेम कलर, थोड़ा सा क्वालिटी में फर्क। और अपनी पत्नी को लाकर दे दिया और कहा ये अच्छी क्वालिटी के अपने बच्चे को रखना, और ये थोड़ी सी पैसे भैया के बच्चे को दे देना। दे दिया। शाम को गड़बड़ हो गई, एक ही जैसी पैकेट थी, पैकेट चेंज हो गई, अपनी वाली वहां, वहां वाली यहां। और शाम को जब रात में वो वापस आए भाई साहब, और जब रात में भाई साहब वापस आए तो भाई साहब ने देखा कि यहां का वहां, वहां का यहां हो गया। बड़ी तकलीफ हुई, अटैक पड़ते पड़ते बचा। मानो अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे पागल, अरे मूर्खानंद की पत्नी। मूर्खानंद कौन हुआ? सच कहता है, कई कई बार गुस्से में आदमी बहुत सच बोल जाए। अरे मूर्खानंद की पत्नी, ये सोच मैंने तुझसे कहा था क्या और तूने कर दिया क्या, उल्टा कर दिया। अब उसके हृदय में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, ये तकलीफ दी किसने, किसने दी ये तकलीफ? पत्नी ने, कपड़ों ने, या पहनने वाले बच्चों ने? ये तकलीफ किसी ने नहीं दी मेरे भाई बहन, ये तकलीफ उसने अपने आप खरीदी है, अपने आप खरीदी है। अरे दोनों बच्चों के लिए बराबर के ले आते तो तेरे मन में तकलीफ ना होती मेरे प्यारे। तूने अपना और पराया कर दिया, इसलिए तेरे मन में तकलीफ जागृत हो। इसीलिए कहता हूं लालच बुरी बला है। अपने हृदय में लालच मत आने दो मेरे भाई बहन, लालच मत आने दो। दुर्योधन के हृदय में लालच आ गया, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ। द्रौपदी ने कड़वा बोल दिया, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ। अगर मेरे भाई बहन अपने जीवन में युद्ध नहीं चाहते, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में युद्ध ना हो, तो आप अपने जीवन को इन दोनों वस्तुओं से बचा के रखना।
कड़वा मत बोलो, और कड़वे बोलने की साथ साथ लालच मत करो। एक बात तो ध्यान रखना मेरे भाई, नोट कर सके तो कर ले, डायरी में नहीं दिल की डायरी में विश्वास की स्याही से लिख कि तेरी किस्मत में अगर सुख है तो चाहे तू लालच कर या मत कर, तुझे सुख मिलकर ही रहेगा, इसमें तेरे को कोई वंचित नहीं कर सकता। और अगर तेरे किस्मत में सुख नहीं है तो लालच कर करके मर जा, एड़ियां घीस घीस के मर जा, तुझे सुख कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि तेरी किस्मत में नहीं, तेरे कर्म अच्छे नहीं है।